मैं तुम्हें इस सच्चाई से भी परिचित करा दूं, यदि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर सकोगे। ये तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को ये आज्ञा दी गई थी, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करता है वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो अपने भाई से रुष्ट है वो न्यायालय के सामने दोषी होगा, और जो कोई अपने भाई से कहे अरे निकम्मे, वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अपराध का दोषी होगा, तथा वो जो कहे अरे मूर्ख, वो तो नरक की आग के योग्य दोषी होगा। इसलिए यदि तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें ये याद आए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति वैमनस्य है, अपनी भेंट वेदी के पास ही छोड़ दो और जाकर सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो और तब लौटकर अपनी भेंट चढ़ाओ। न्यायालय जाते हुए मार्ग में ही अपने दुश्मन से मित्रता का संबंध फिर से बना लो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें न्यायाधीश के हाथ में न सौंपे और न्यायाधीश अधिकारी के, और तुम्हें बंदी गृह में डाला जाए। मैं तुम्हें सच से परिचित कराना चाहता हूँ कि जब तक तुम एक एक पैसा लौटा न दो, बंदी ग्रह से छूट न पाओगे।